मेरे प्यारे बच्चे, आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक अर्थमेटिक का। ये रीड कहा जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे या कहीं पढ़े भी होंगे किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, तो कम से कम परसेंटेज जो चैप्टर होता है अगर ये ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसमें परसेंटेज तो ठीक होगा ही होगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, एसआई हुआ, सीआई हुआ, और ये यही चीज आपको रेशियो के रूप में जहाँ पे कन्वर्जन की बात होती है तो वहाँ पे भी ये इसका यूज होता है। तो हम उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अंत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हमने लिखा है टॉपिक में ये परसेंटेज है जिसको हिंदी में प्रतिशत हम लोग कहते हैं, और सेशन यानी क्लास आपका वन है, ठीक है। हमने ये लिखा प्रतिशत परसेंटेज, जैसे कि आप जानते ही हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो हमने बोर्ड पे लिखा है आप नोट कर लीजिएगा या बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद आप या तो जैसे ऑफलाइन में बच्चे क्लास में आके पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिशत का तात्पर्य प्रति सैकड़ा पर एक से, कहने का मतलब हुआ वैसा चीज जो 100% है और 100% में आपको एक चाहिए, यानी बात एक से होगी तो वहां पे हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। यानी प्रतिशत यानी 100 में कोई भी चीज जो आप चाह रहे हो या 100 में कोई चीज आप उम्मीद करते हो वही आपके लिए परसेंटेज के बारे में हम लोग जानेंगे और कहेंगे भी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 या 100 के घात के रूप में हो, अंश चाहे कुछ भी हो। ये कंप्लीट लैंग्वेज का सेंटेंस का हमने सिंबॉलिक रूप में यहाँ लिखा। भिन्न क्या होता है तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को संकेत में यानी संकेत में सिंबल में हम एन लिखेंगे और न्यूमरेटर को सिंबल में डी लिखेंगे। उसी को जैसे फ्रैक्शन क्या होता है तो अंश बटा हर यानी एन अपॉन डी होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा अंश कुछ भी हो, हमने एक लिखा चाहे तीन लिखा चाहे पांच लिखा चाहे सात लिखा चाहे हजार लिखा कुछ भी लिखा, लेकिन हर जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा 100 या 100 के घात के रूप में, हम अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 और यहाँ पे 100 के पावर 3, हम इस रूप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद परसेंटेज, ये जो शब्द हमने लिखा और एरो देखे, ये इसका मतलब है कि परसेंटेज के ही बारे में ये सारी बातें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा, ठीक है जी, शतांश या प्रति सौ हम कह सकते हैं। अगर कहीं भी आपको परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछा जाए तो तीन शब्द आप बताना, प्रति सैकड़ा या शतांश या प्रति सौ, ठीक है जी। अच्छा, प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे हम लोग ऑब्लिक देते हैं हर एक चीज एक सिंबॉलिक होता है। जैसे दो अंक के बीच में, मेरी बात को ध्यान से समझे, दो अंक के बीच में चाहे दो अक्षर के बीच में दो अंक के बीच में दो अक्षर के बीच में ये जो चिन्ह होती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा ये रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी प्रकार से परसेंटेज को हम लोग ऑब्लिक के ऊपर और नीचे जो देख रहे बिंदु दे रहे हैं, ठीक है, यही आपका प्रतिशत होता है, ठीक है जी। अब कह रहा कि ये जो चीज है हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करें, परसेंटेज का कोई मात्रक या यूनिट नहीं होता। अब ये मात्रक यूनिट कैसे होता है, यानी कभी भी ये न तो केजी में आएगा, न तो लीटर में आएगा, न तो मीटर में आएगा, ठीक है जी। तो जैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम समझाएंगे। फिलहाल ये बात आप समझ चुके, यूनिट या मात्रक कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, मीन्स डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। और हमने ये लिखा है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना या मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा, तो ये भी बात हम लोग आगे की लेक्चर में स्लाइड में सीखेंगे जानेंगे। तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, अब नए तरीका से नए लॉजिक के साथ सीखेंगे। इतनी बात हो गई ना, चल मिटा दू भाई, चल। तो
मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं जो नया पॉइंट हमने लिखा है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। कहने का मतलब कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, उसको परसेंटेज में किस प्रकार से कन्वर्ट कर किया जाएगा वो हम लोग जानेंगे। तो एप्लीकेशन यहाँ पे है, एक फंक्शन है एक्स बटा वाई को प्रतिशत में बदले। ये एक्स बटा वाई अपने आप में सोचे कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, लेकिन बदलेंगे तो किस प्रकार से, तो एक्स बटा वाई गुणे 100। जब ये सिंपलेस्ट रूप में आएगा तो कुछ ना कुछ अंक आएगा, लेकिन उसके आगे जो है ये परसेंटेज सिंबल लग जाएगा, संकेत लग जाएगा। अब कहेंगे सर ये बात तो हमको समझ में आया नहीं, तो एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे ये बात है क्या। यानी x बटा y तो अपने आप में ये भिन्न है, x बटा y यानी 1 बटा 2 को प्रतिशत में बदले, वही x बटा y यानी 1 बटा 2 गुणे 100, हमने लिखा भी 100 तो बराबर। तो जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे, देखा जाए सिंपलेस्ट करेंगे तो ये सिंपलेस्ट के रूप में ये 50 आ जाएगा, यानी b हो गया, और आगे देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज जुट गया। तो हम कह सकते हैं कभी भी अगर भिन्न वाले संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा, जैसे हमने पिछला स्लाइड में बात किया भी था कि उसमें 100 से हमेशा गुणा करना है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं 1 बटा 2 को परसेंटेज बदले तो जब सिंपलेस्ट हो जाएगा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं तो 1 पूर्णांक 1 बटा 4, ये कुछ एग्जांपल है जो आपको देखने को मौका मिलेगा जब ये स्टार्टअप है, ताकि कभी रेशियो में होगा, कभी भिन्न में होगा, कभी दशमलव में होगा, वो पूरी बात हमने लिखा है, ठीक है। तो एक पूर्णांक 1 बटा 4 को प्रतिशत में बदले, आप जानते हैं कि पूर्णांक वाले को तोड़ते कैसे हैं, तो 4 एकम 4 और अंश वाले को जोड़ते हैं, तो 5 बटा 4 इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा किया, पैर कौन किसके आ रहा, ठीक है, गुणा करेंगे तो 25, अब 25 पंचे 125, 125 और आगे हमने परसेंटेज तो परसेंटेज, ठीक है जी। दूसरी बात देखिए, अंश भी फ्रैक्शन में और हर भी फ्रैक्शन में, 1 बटा 2 एक बटा दो फिर बटा एक बटा चार को प्रतिशत में बदले, तो एक बटा दो बटा एक बटा चार गुणे 100। जब इसको इस फ्रैक्शन को जब सिंपलेस्ट करेंगे तो एक बटा दो गुणे 4 बटा 1 और गुणे में 100, जब ये सिंपलेस्ट करेंगे तो दो दो से गुणा करेंगे, 100 से 200, आगे परसेंटेज में है तो परसेंटेज लगा देंगे। अब देखिए अनुपात को प्रतिशत में बदले, अनुपात का मतलब बटा होता है, जो हमने पहले ही बता चुका है, 3:5 यानी बटा यानी 3/5 गुणे 100, तो 20 7% ठीक है जी। 0.56 को प्रतिशत बदले, तो आप जानते हैं दशमलव को हटाने के लिए बटा में 100 करते हैं और प्रतिशत बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, दो बात यहां सीखे, प्रतिशत को हटाने के लिए नहीं बटा 100 में करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए दशमलव के बटा 1 लिखते हैं, दशमलव के आगे जितना अंक हो उतना हम लोग 0 लिखते हैं। फिर से इस बात को सुनिए, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के जगह 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे जितना अंक हो 1 के आगे उतना 0 देंगे और प्रतिशत को बदलने के 100 से गुणा करेंगे, तो 100 कैंसिल हो जाएंगे तो 56% हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए 0.003 को प्रतिशत में बदले, हमने कहा दशमलव के लिए बटा में 1 लिखेंगे, दशमलव के आगे जितना अंक होगा 1 आगे उतना 0 लिखेंगे, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 2 0 2 0 यानी 3/10 यानी 0.3%। हम कह सकते हैं इसमें हर एक प्रकार का अंक हमने लिया है, लेकिन कुछ मान आपको परसेंटेज में याद रखना जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट रूप में आता हो, चाहे वो दशमलव के रूप में आता हो, चाहे पूर्णांक के रूप में आता हो, तो वो हम लोग कैसे याद रखेंगे, पहले उस पूरी फंक्शन को हम लोग जो मान है, जो डेरिवेशन है फ्रैक्शन का, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मौका मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा बात करेंगे, उस पे आधारित फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो इस बात को आप या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आगे फिर बात करता हूँ। ये सारे बच्चे आप लिख लिए, चलो मिटा दो, चलो। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन मान जो हमने दे रखा है बोर्ड पे, आपको इसको जहन में याद रखिए, माइंड में याद रखिए, ताकि आपको जब भी पेपर में, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से कहीं एग्जाम दे पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम दे पा रहे हैं, वहां पे ये बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ सके ये किस फ्रैक्शन का ये परसेंटेज मान दे रखा है। यानी रिवर्स का मतलब ये हो, अगर ये आपको
दिमाग में है तो ये कहीं न कहीं मिलेगा, अगर ये है तो अपने आप को ये समझे, ये एक दूसरे का पूरक के रूप में आपको मतलब यूज होगा, प्रयोग होगा। ठीक है जी, तो हमने कहा था एक एक कोई भिन्न है, और भिन्न का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसके बट्टा में कुछ न कुछ अंक हो ना हो, यानी बट्टा में हमेशा एक हेडेड रहता छुपा हुआ रहता है। हमने एक बट्टा एक लिखा, परसेंटेज बदलने के लिए जैसे कि आपको बताइए 100 से गुणा किया तो हो गया 100%, तो हम कह सकते एक बराबर 100% या 100% बराबर एक। ठीक है जी, और ये कुछ मान है जैसे एक बट्टा दो को, तो यहाँ पे कोशिश हमने किया एक बट्टा एक को जैसे प्रतिशत में एक बट्टा एक को 100 से गुणा 100% जो हुआ है उसी पर एक बट्टा दो को प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। आप शायद इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, एक बट्टा दो को अगर हम परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और यही सिंपलेस्ट रूप में कितना हो गया 50% हो जाती है। तो हम कर सकते हैं ये बार बार जो 100 से गुणा जो हम कर पा रहे थे, ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये याद रखना, एक बट्टा चार यानी 25%, एक बट्टा तीन, ये जो दशमलव फॉर्म में जब से ऑनलाइन हुआ जैसे हमने कहा भी था, ये दशमलव जैसे हम पहले के समय में जब ऑफलाइन अगर बुक देखेंगे, जिससे पहले के बुक देखेंगे तो जनरली आपको परसेंटेज मान यानी एक बट्टा तीन का जो फ्रैक्शन मान है परसेंटेज में 33% एक बट्टा तीन प्रतिशत ही लिखा मिलेगा, लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया तो वहां पे ये मान न देके ये मान के रूप में इस फॉर्म में आपका जनरली रहेगा। ठीक है, और इस मान को फिर कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे ये भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले इतनी बात आप समझ ले, एक बट्टा चार 25%, एक बट्टा पांच 20%, एक बट्टा छह यानी 16.66% या 16.23%, एक बट्टा सात 14.28%, 14.27%, एक बट्टा आठ 12.5%। ठीक है जी, या 12.2%, एक बट्टा नौ 11.11%, या 11.9%, एक बट्टा 10.10%, एक बट्टा 11 तो 9.09%, या 11.9%, 1/11%, 12.8.33%, और यानी इसके अलावा 8.3%, 1/13 7.69%, या 7.9/13%, 1/14 7.142% या 7.7%, 1/15 को 6.66% या 6.23%, 1/16 6.25% या 6.14%, 1/20 5%, 1/24 1/25, तो कहने का मतलब ये 4% हो जाएंगे। कुछ मान हमने लिखा है जो हम ये देखने के लिए इतनी बात हमने बताया, आप ये मान लिख पाते हैं कि नहीं तो हम कमेंट के रूप में देखेंगे, कौन बच्चे जो पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में ये मान इसका मान लिख पाया है, तो कम से कम इतना तो होनी चाहिए कि आप इतनी देर क्लास पढ़ पाए, इतनी बेहतरीन ढंग से वीडियो आप लोग देख पाए, और इतनी बेहतरीन ढंग से हम आपके लिए वीडियो जो परसेंटेज चैप्टर है उस पर हम काम कर पा रहे हैं, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इससे ये पता चले, अगर आप कमेंट करते हैं तो पता चले रियल में जिस बच्चे के लिए हमने वीडियो शूट किया है, रियल में जिस बच्चे के लिए हमने काम किया है, इसकी आवश्यकता थी पढ़ने के लिए, वो रियल में बच्चे बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो बाकी बच्चे जो इस सेशन से इस बीएम क्लास जो ऑफलाइन बैच चलती है दोहार गुमती से पूर्व एलसीएस कॉलेज मेन गेट के सामने, ताकि जुड़ सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सारे बच्चे को तहे दिल से थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।